जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। भारत ने नापाक गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। भारत ने 2 घंटे के भीतर अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया। सेना ने पीओके के नीलम वैली में बने आतंकी कैंपों पर धावा बोल दिया और 4 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। सेना की इस कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री पल पल की खबर ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री स्थिति की निगरानी भी कर रहे हैं और सेना प्रमुख से लगातार अपडेट रखने को कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में लगातार फायरिंग की, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सेना के साथ साथ पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर भी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक नागरिक की जान चली गई। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है, हमारे सुरक्षा बल ऐसी किसी भी शैतानी ताकत के किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने में पूरी तरह से हमेशा कामयाब हुए और इस बार भी होंगे। इसके बाद सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के करीब 6 से 10 सैनिक मार गिराए और वहां पर 4 आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जिसमें से लश्कर के 3 आतंकी ठिकाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को कवर फायर देना था। पीओके स्थित लीपा घाटी से बड़ी संख्या में आतंकी भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार थे। इसी वजह से पाकिस्तान शनिवार रात से ही फायरिंग कर रहा था, पर पाकिस्तान को क्या पता था कि उसकी यह हरकत उसी पर भारी पड़ जाएगी। सेना के इस पराक्रम से पाकिस्तान को एक बार फिर से बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद आ गई है। पाकिस्तान इतना बेचैन हुआ है और डर गया है उसने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया को तलब तक कर लिया।